ये इस वक्त चौथा क्वार्टर फाइनल मैच राजस्थान पीजी कॉलेज थोई के टीम के साथ परिचय इस समय ऑनरेबल डायरेक्टर सर श्रीमान सुरेश कुमार जी शर्मा और उनके साथ देखिए छोटे होनार नील राज इस वक्त जो कि डायरेक्टर सर का भतीजा परिचय लेते हुए इस समय राजस्थान पीजी कॉलेज के साथ जज्बात देखिए ऑफिशियल्स के साथ इस समय नीलराज जी हाथ मिलाते हुए विनीत जी शर्मा और उनके साथ तमाम ऑफिशियल्स ये टीम है इस वक्त टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़ नीलराज जी ऑनरेबल डायरेक्टर सर के भतीजे परिचय लेते हुए बड़ी बहनों का स्वागत करते हुए कुछ उत्साहवर्धन यादगार पल बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहानअल्लाह भारत माता की जय भारत माता की जय। शुरू होता हुआ खेल इसी के साथ पहला रेड सोई की ओर से रेड की जा रही है महर्षि परशुराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय दाता सीकर की पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद एक बार फिर बेहतरीन कवरेज लेकर चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच जो जीता वो सेमीफाइनल में उसके बाद सेमीफाइनल मैच होंगे राजस्थान गर्ल्स कॉलेज थोई बनाम टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़ के बीच ये मुकाबला और यहाँ मनीषा टच पॉइंट अर्जित करते हुए सफल नीतू को बाहर भेजा जो कि टीम की कैप्टन थी और अब उप कैप्टन वाइस कैप्टन उप कप्तान प्रयासरत पहले पॉइंट की तलाश में धक्का धकेला लक्ष्य तक पहुंचे लॉबी में थे टच पॉइंट इधर से भी हासिल किया एक एक से स्कोर मनीषा एक बार फिर से जो कि उभरती हुई उदयमान खिलाड़ियों में से एक स्टार राइडर काफी अपेक्षा इस बालिका से अच्छा नियंत्रण सेफ कम बैक एक बार फिर वही रेडर आ रही है 10 नंबर पहचान संख्या में टच पॉइंट की कोशिश 10 नंबर को छूने की कोशिश की थी मोनिका को ही सेफ कम बैक टीम कैप्टन इधर से 50 नंबर से पहचान संख्या साथ का डिफेंस है पकड़ मजबूत हो सकती है जी हाँ धक्का देकर बाहर धकेला रेडर आउट डिफेंडर भी बाहर गए हैं कि एक एक पॉइंट दोनों ही टीम के खाते में बिल्कुल सही फैसला निर्णय के लिए दोनों टीमें बिल्कुल बराबर और यहाँ बैक होल्ड की कोशिश लेकिन इसमें बाहर जाना होगा कमल को बाहर का रास्ता दिखाया मनीषा आ गई है रेड पे ढलती शाम उसके बाद सेमीफाइनल देखना ना भूलें दोनों सेमीफाइनल आ और यहाँ डाई लगाते हुए लक्ष्य तक पहुँचे टच पॉइंट के साथ रोमांचक मैच है निश्चित रूप से दोनों ही टीमें बराबर की फाइनल से पहले का ये फाइनल देखा जा रहा है इस वक्त मेगा फाइनल के रूप में हालांकि सेमीफाइनल अभी बाकी हैं और बेहतरीन ब्लॉक लेकिन क्या पाँव सामने वाले छोर पर गया है यहाँ दुविधा में थोड़े से रेडर को आउट माना गया बिल्कुल मनीषा फिर से आ गई है बेहद रोमांचक मैच है थोड़ा सा मजबूत होता हुआ इसमें टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़ जबकि राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज थोई इस समय प्रेशर में मामूली बढ़त ज्यादा पीछे नहीं है थोई एक बार फिर बेहतरीन बालिका इस समय होनार 28 कॉलेजों से पार्टिसिपेट किया होनार बालिकाओं ने अपना टैलेंट दिखाने के लिए मगर इस वक्त अंतिम क्वार्टर फाइनल उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल यानी इस मैच सहित कुल 4 मैच शेष हैं असली पिक्चर बाकी है इस टूर्नामेंट की इंटर कॉलेज
टूर्नामेंट इस वक्त जो आप देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेखावाटी यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में दाता सीकर की धराश है। इस वक्त आप देख रहे हैं बेहतरीन मुकाबला, एक से बढ़कर एक रोचक मैच। पांच के डिफेंस में इस वक्त हाथ आगे बढ़ाए मनीषा, फिर से प्रयासरत है, पकड़ कमजोर, मनीषा ने एक और बम्बले पॉइंट। दर्शक यहां खुश दिखाई देते हुए, दीर्घाव में भी हालचाल, धक्का दिया यहां दाल में कुछ काला। देखते हैं रडर बाहर है या अंदर, रडर आउट, टाइम आउट लिया कोच गहरी मंत्रणा देते हुए सही वक्त पे, क्योंकि यहां गलतियों की गुंजाइश थी। थोड़ा सा सुधार और अच्छा करता है तो फिर स्थिति और मजबूत होगी। गुरु मंत्र, मनीषा एक बार फिर सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नो सके परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। वंस अगेन 417 नंबर पहचान संख्या देखिए कितनी बड़ी है, खेल कितना बड़ा होगा, खैर ये तो आने वाला समय और इनका प्रदर्शन ही बताएगा। सेफ कमबैक 50 नंबर से इस वक्त सुपर टेकल ऑन, कॉर्नर पे नीतू जो टीम कैप्टन, जबकि उनके साथ उनकी सहेलियां, दबाव के ये पल। दत्तारामगढ़ मजबूत इस वक्त थोई के सामने, एक बार फिर से सेफ कमबैक, नीतू डी लाइन को छूकर सेफ कमबैक, डू डाई पे मनीषा चले हैं रेड पे, तीन का डिफेंस करो मरो की स्थिति। देखते हैं मनीषा कैसे चुनौती स्वीकार करती हैं, वापस लौट पाते हैं कि नहीं, सबकी निगाहें इस रेड के ऊपर, और यहां सुपर टेकल का शिकार इस वक्त मनीषा को बाहर जाना होगा, दो पॉइंट कमाए। और पिछली रेड से सुपर टेकल से दो पॉइंट मिले थोई को, जबकि एक पॉइंट इधर भी मिला है, यानी कि 7-7 का स्कोर बराबरी पे आता हुआ थोई। 6 का सोलह डिफेंस साबित हो सकता है। एक बार फिर से सेफी वापस लौट रही हैं, या फिर से सुनीता प्रयासर, 5 नंबर से आत्मविश्वास से भरपूर नजर आता हुआ टैगोर दत्तारामगढ़, और यह मौका पुश करने का, जी हाँ सही वक्त पे अच्छा पुश, साइड लाइन से बाहर भेजा, बढ़त पे 8वां पॉइंट, 8-7 का स्कोर। सुपर टेकल ऑन, 2 का डिफेंस, अब खतरा निश्चित रूप से नीतू, काफ़ी अपेक्षाएं थी नीतू से, लेकिन अब तक खामोशी उनके ऊपर हावी, चांस लेना चाहिए, लेकिन डी लाइन को छूकर सेफ। नीतू चली हैं जो हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करती हैं, होनार उदयमान खिलाड़ी मानी जाती हैं, कैसे सामना करेंगे, डी लाइन को छूकर वापस कैप्टन, चांस लेना चाहिए, नहीं तो अगली रेड से फिर डू डाई का सामना होगा, और सुपर टेकल से बाहर भी आ सकता है। सबकी निगाहें एक बार फिर से सुपर टेकल के ऊपर, और यहां देखिए नीतू ने कमाल किया है, जबरदस्त टेकल, किस अंदाज से पंजों में फंसा लिया, शिकंजा नीतू और थोई का जबरदस्त, दो पॉइंट। ऑनरेबल डायरेक्टर सर सुरेश कुमार जी शर्मा लगातार आनंद उठाते हुए मैच का, टीम के उप कैप्टन इस रेड पे वापस बढ़त पर नाता बात हो, ये एक पॉइंट की ही सही, लेकिन जबरदस्त कमबैक यहां देखा जा सकता है, ललचाने की कोशिश, काफी अपेक्षा इस वाले का सही थोई को, लेकिन खामोश है, फिर से शेर की तरह काफ़ी बहादुर बालिका है, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुई, एक बार पॉइंट गंवाना पड़ा था, इस बार सेफ कमबैक वापस लौटी, एक बोनस अर्जित किया था, हालांकि सुपर टेकल, 3 का डिफेंस से मनीषा कमबैक, डू डाई पे अब करो या मारो, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, और यहाँ लॉबी के माध्यम से दो पॉइंट लेकर आई, दोहरे अंकों में पहुंच गया है, इसके साथ ही राजस्थान पीजी कॉलेज थोई मनीषा प्रयासरत, देखते हैं कितना संघर्ष इस रेड से आएगा,
थोड़ा सा पिछड़ता हुआ मैच में अब टैगोर पीजी कॉलेज दत्तारामगढ़। और ये काफ़ी उत्साह में नज़र आती हुई, देखिए शेर की तरह दो कदम पीछे, खेल बड़ा हो सकता है, सेफी कमबैक। सोनू, सोनू का शर्मा डूडाई पे, चार का नहीं पांच का डिफेंस है, डूडाई से मुश्किल हालात है, संभवतः इनका पहला रेड, संकट की घड़ी में आगे बढ़ी है क्योंकि बड़ी रेडर इस समय टैगोर के पास नहीं। बैकआउट की कोशिश, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे, सिंगल पॉइंट यहां मिलता हुआ टैगोर को, शानदार पहला ही रेड, उमदा प्रदर्शन, एक बार फिर से पांच का डिफेंस अब दिखाई देता हुआ, बड़ी रेड हो सकती है लेकिन सावधानी से टैकल करने की आवश्यकता, काफी आक्रामक खिलाड़ी है। और यहां बलो करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचे, सेफी वापस आना चाहेंगे टच पॉइंट के साथ। मनीषा एक बार फिर से दबाव बनाता हुआ, थोई टैगोर के ऊपर रिटर्न, फिर से वही रेडर, शेर की तरह दो कदम पीछे, बड़ी छलांग हो सकती है, जज्बात जबरदस्त है, बैक की कोशिश, सेफ, फिर से बगैर किसी हलचल के, पिछली बार सफल थी। मनीषा को ही नैया पार लगानी पड़ रही है, टैगोर पीजी कॉलेज का जहां तक जिक्र है, लेकिन थोई जिस प्रकार से वापस मैच में लौट रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बढ़त है थोई के पास, गजब का खेल, पांच का डिफेंस, अच्छा नियंत्रण, रेडर सेल्फ आउट गवा दिया पॉइंट, बिल्कुल रेडर सेल्फ आउट, सही फैसला, तकनीकी रूप से गवाए पॉइंट, और यहां धक्का देने की कोशिश, पहुंच गए लक्ष्य तक, सफल रेड, टच पॉइंट, 50 नंबर से इस वक्त पिछड़ता हुआ मैच में ऑल आउट का खतरा बढ़ेगा, यहां हर हाल में टच पॉइंट चाहिए, नहीं तो हालत और नाजुक हो गई। लॉबी के माध्यम से पहुंचे, फिर से वही रेडर जो की अच्छी फॉर्म में नजर आते हुए पुश करने की कोशिश की गई पिछली दो तीन रेड से, लेकिन सफल हैं, सुपर टेकल ऑन, तीन का डिफेंस, टच पॉइंट यहां पकड़ में है, और सुपर टेकल से यहां टैगोर के खाते में, जबरदस्त डिफेंस, दो पॉइंट, कमाल का टेकल, बड़ी मछली को फंसाया और ऑल आउट से बचता हुआ अभी भी जिंदा है, वापस मैच में धीरे धीरे, टैगोर पीजी कॉलेज दत्तारामगढ़ जो कि स्थानीय टीम देखी जा सकती है, वही मेहमान के रूप में थोई तेजी से आगे बढ़ी हैं, बड़े रेडर की कमजोरी, यहां फायदा उठाना चाहेगा दत्तारामगढ़, टैगोर चार का डिफेंस, तेरह अठारह का स्कोर, वाचक की बढ़त, नो डम इज डन, पांच अंक की बढ़त अभी भी, माफ कीजिए, तेरह ग्यारह का स्कोर है, दो अंक की बढ़त थोई के पास, सिर्फ दो अंक की मामूली बढ़त है, यानी एक रेड से टैगोर बड़ी बढ़त बना सकता, रोमांचक मैच सोनू रेड पे, लेकिन थोई की दाद देने की पिछड़ने के बावजूद वापस लौटा, ढाई लगाया, लेकिन अच्छा नियंत्रण सोनू का, लोबी में जाने से भी बचाया और कैच से भी बचाया अपने आप को, पांच का डिफेंस है जो कि सबसे कठिन माना जाता है इस खेल कबड्डी में, डबल थाई होल्ड, अब छोड़ने वाला नहीं थोई, 14वां पॉइंट इस समय
खोए की थाली में कमजोर यहाँ टैगोर पीजी और अच्छा ब्लॉक किया, बाहर भेजा रेडर आउट, सुपर टेकर से डबल पॉइंट। इसके साथ हाफ टाइम का समय, सुनील जी शर्मा माफी चाहूंगा, इस समय टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़ के पास बढ़त है 15-12 तीन पॉइंट की। और कोच यहां लगातार इस समय थोड़ी टीम को प्रशिक्षण देते हुए दूरभाष के माध्यम से कुछ अहम सूचनाएं। हाफ का खेल इस वक्त है 56 नंबर जर्सी से 15-12 के साथ तीन अंक की बढ़त टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़ के पास। इसलिए राजस्थान कॉलेज थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता, डिफेंस देखते हैं कैसे साबित करता। 8 नंबर से इस वक्त डी लाइन को छोकर वापस डू और डाई की प्रतीक्षा में, फिर से दातारामगढ़ ललचाने की कोशिश। बड़ा स्कोर नहीं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते कितना रोमांच है इसे अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। तेजी से आगे बढ़ते हुए 8 नंबर से वही वाली का डू डाई की प्रतीक्षा में डी लाइन को छोकर वापस और अब डू डाई पे देखते हैं। डू डाई से मुश्किल हालात हैं थोड़े से, हवा में किक करने की कोशिश, पॉइंट गंवाना भी पड़ सकता है तो अर्जित भी किया जा सकता है। डबल थाई होल्ड और यहां जबरदस्त टैकल इस समय राजस्थान कॉलेज थोई का 14वां पॉइंट, अब 13-15 सिर्फ दो अंक पीछे। नीतू ने कुछ हिदायत दी, डू डाई पे है सुपर टेकल ऑन संकट में। तीन के डिफेंस में और यहां धक्का देकर बाहर धकेला सुपर टेकल, सुपर टेकल का शिकार डबल टस, दो पॉइंट यहां माफ कीजिए 17 पर पहुंच गया है 17-13। अब 4 अंक की बढ़त है मनीषा रेड पे टैगोर पीजी कॉलेज और शिकार जबरदस्त जवाब दिया है इस वक्त। अब वापस है सुपर टेकल में टैगोर पीजी कॉलेज दातारामगढ़, अब मुश्किलें बढ़ सकती है 411 नंबर पहचान संख्या में। कमजोर साबित करना चाहेगी, डिफेंस मजबूत चाहिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ा राइडर भी इसमें टैगोर के पास नजर नहीं आ रहा, दबाव में डिफेंस मजबूत चाहिए थोई को, तभी वो ऑल आउट कर सकता है। यदि यहां से पॉइंट गंवाया फिर बढ़त पे भी विपक्षी टीम दिखाई देगी। गलती की है नीतू की, बड़ी गलती, इतना आगे जाकर रोकना कतई आसान नहीं, बहुत मुश्किल, असंभव सी कोशिश की नीतू ने और उपहार में गवा दिया पॉइंट, हल्के में लिया और पॉइंट गवा दिया। जहां अर्जित करना था वहां गवा बैठी सुनीता। 11 नंबर से इस वक्त फिर से मजबूत होता हुआ सुपर टेकल से बाहर निकलता मोनिका, 10 नंबर पहचान संख्या में, अच्छा साथ देती हुई कॉर्नर का। टीम कैप्टन इस वक्त 5 का डिफेंस इस साइड, टोटस की कोशिश, आत्मविश्वास की कमी दिखाई देने लगी है। डू डाई पे 8 नंबर इस वक्त मुश्किलें बढ़ सकते हैं, सोल खुलता हुआ जूते का और उसी जूते को पकड़ लिया डू डाई से, पॉइंट अर्जित करता है इस समय टैगोर पीजी महाविद्यालय दातारामगढ़। थोई के ऊपर बढ़त बनाता हुआ 4 का डिफेंस इस वक्त 56 नंबर पहचान संख्या में, किक करने की कोशिश, सुरक्षित वापस लौटना भी अच्छे संकेत है इस समय। सुनीता 5 नंबर में, 5 का ही डिफेंस, इसलिए डी लाइन को छोकर खामोशी कमबैक। डू डाई पे अब 4 के डिफेंस में देखते हैं कैसे सामना करते हैं, डू डाई से मुश्किलें बढ़ सकते हैं। और यहाँ शानदार टेकर डू डाई से फंसाता राजस्थान कॉलेज थोई और ये स्टार रेडर वापस आई। अभी ने
आक्रामक खेल दिखाना चाहिए। एक दो रेड यदि सफल लगाने में कामयाब रहे तो फिर वापसी बिल्कुल मुमकिन है, नहीं तो पिछड़ता जाएगा मैच में। थोई चार का डिफेंस मोनिका को टच करने की कोशिश, लेकिन सुंदर बचाव अब तक मोनिका के द्वारा, हौसले बुलंद। 19 टैगोर जबकि थोई 15, चार अंक की बढ़त। टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट। रोमांचक मैच में चार अंक की बढ़त भी काफी महत्वपूर्ण, की करने की कोशिश लेकिन आसान नहीं। सुनीता को छूना, 56 नंबर में माफ कीजिए पहचान संख्या, और इस रेडर से जो कि काफी अपेक्षाएं इस समय कर रहा थोई। 25 सेकंड के बाद कमबैक, डूडाई पे डूडाई, आगे कुआ पीछे खाई, 10 नंबर में रेड पे आई। देखते हैं कितने आते हैं लाइक। धक्का दिया है, बेहतरीन ताकत झोंकता हुआ इस समय, वाह गजब का डिफेंस। डिफेंस की बदौलत इस समय 20वां पॉइंट है, अब 20-15 पांच अंक की बढ़त। मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाता हुआ इस वक्त टैगोर, विचलित करने की कोशिश। चार का डिफेंस है, मुश्किल हो सकता है ज्यादा आगे जाना, लेकिन समय बिताने की चाहत होगी टैगोर की। 24 सेकंड के बाद ही 27-28 सेकंड का समय आसानी से ले सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों 24-25 सेकंड पे ही वापस लौट रहे हैं। बढ़त को देखते हुए समय गंवाना चाहिए ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से विपक्षी टीम दबाव में आए। हालांकि दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन मजबूत बेहतरीन खेल दिखाती हुई, एक दो अच्छी रेड मिल जाए या फिर अच्छा डिफेंस हो तो वापस फिर से दिखाई देगा कमजोर पकड़। देखिए ललचाने की कोशिश की जा रही थी और ललचाया भी, सफल भी रही। 411 नंबर से इस वक्त 6 का डिफेंस, बोनस ऑन, स्थिति फिर से मजबूत करता हुआ पहचान संख्या 21 में। और यहां लीजिए चारों खा ने चित्त किया, सुपर टेकल ऑन, मुश्किलें यहां कुछ बढ़ सकती हैं। 2 के डिफेंस से संकट में है, तेजी से आगे बढ़ी, पॉइंट लेने की कोशिश होगी ताकि वापस लौटा जा सके। धक्का दिया है, अच्छा कार्य किया लेकिन पांव, देखते हैं आगे। रेड सफल, 2 पॉइंट, बड़ी रेड काफी देर से देखने। धक्का दिया है और यहाँ क्या रेडर बाहर है, रेडर सफल यहाँ सिंगल पॉइंट, और रेडर को आउट माना गया। रिव्यू देखते हुए 22-18 का स्कोर, जबरदस्त डिफेंस इस समय करता धवन के साथ, देखेगा दर्शकों में उत्साह जबरदस्त। अब 23-18 पांच अंक की बढ़त आ चुकी है टैगोर पीजी महाविद्यालय दातारामगढ़ के पास, जबकि 4 के डिफेंस में इस वक्त राजस्थान पीजी कॉलेज थोई बैकफुट पे होई। डी लाइन को छूकर वापस आ रही हैं, जो जज्बे के साथ दूध या रोशनी में फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। 5 नंबर से इस वक्त है सोनू, कोशिश होगी राजस्थान कॉलेज थोई की। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, सुनीता रेड पे, डी लाइन को छूकर फिर से अब डू डाई पे, पांच नंबर पहचान संख्या में सोनू फिर से करो मरो की स्थिति। 18-23 का स्कोर है, 5 अंक पीछे है थोई,
दबाव में देखते हुए करोमोर की स्थिति में संकट देखते हैं कैसे सामना करते हैं। निर्धारित 30 सेकंड में वापस लौटना आवश्यक, मुश्किलें बढ़ सकती हैं डोडाई से, अब समय बहुत कम है और यहाँ 10 पॉइंट साथ ही समय समाप्त। और यहाँ टैगोर पीजी कॉलेज दत्तारामगढ़ ने यहाँ शानदार जीत दर्ज की है राजस्थान कॉलेज थोई के ऊपर और सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ। वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमीफाइनल।